वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास थर्ड साइंस में चैप्टर नंबर 9 है, पानी अनमोल है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये सब तो सभी को पता है कि पानी वाकई में अनमोल है। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी तो वाकई में अनमोल है, लेकिन पानी जो है वो दुखी है, अपनी कमी के कारण वो दुखी है। और दुखी होकर वो एक अपनी व्यथा कह रहा है। आज हम उसको कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आपकी बुक में भी दी गई है ये कहानी, आप लोग पढ़िएगा। पानी जो है वो अपनी व्यथा कैसे कह रहा है हम आपको बताएंगे। तो पानी कह रहा है, मैं पानी हूँ, मेरा उपयोग सभी लोग करते हैं। किसी को मैं आसानी से मिल जाता हूँ और किसी को बहुत कठिनाई से मिलता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे महत्व को नहीं समझते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। और आपको पता है कि मेरे बिना आपका जीवन संभव नहीं है, फिर भी आप अपने दायित्वों से पीछे हटते हैं और पानी को बेवजह बर्बाद करते हैं। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो ये आपका पहला कर्तव्य है कि आप मेरी रक्षा करें। तो ये है पानी की व्यथा। पानी अपनी व्यथा बता रहा है कि किस तरह से लोग जो है नलों को ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं, पानी बेवजह बर्बाद होता है। जहाँ थोड़े पानी में काम चल जाएगा, उसके लिए लोग ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। तो अगर हमें भी पता है कि पानी के बिना हम एक दिन जीवित नहीं रह सकते हैं, मनुष्य क्या, मनुष्य को तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं पृथ्वी पर, जीवन किसी का बिना पानी के संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी बचाकर खर्च करें, उसका फालतू का दुरुपयोग ना करें। अगर हमें ज़रूरत है जितना, उतना ही पानी हम गिराएं, बाकी के पानी को हम सुरक्षित रखें, जिससे कि भविष्य में फिर इसके लिए हमें रोना ना पड़े। बच्चों, आपको शायद नहीं पता होगा कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत दूर से पानी को लाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं उसको, कितनी दूर दूर से पानी को वो ढोकर लाते हैं, और उस थोड़े से पानी में जितना वो लाते हैं वहाँ से, उसी थोड़े से पानी में वो अपने दिन भर का गुजारा कैसे करते हैं। वो उनके जीवन, जो ऐसा जीवन बिता रहे हैं उसकी समस्या वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जिसके पास पानी बिना कठिनाई के मिल रहा है, जिसको आसानी से मिल रहा है, तो लोग उसकी जो है कदर नहीं करते हैं, उसको बेवजह बर्बाद करते हैं। और इसका बाद में ये होगा कि पानी फिर हमें मिलेगा ही नहीं, और बिना पानी के हमें कितनी समस्या होगी वो आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको पता है पानी का उपयोग हम लोग पूरा दिन प्रतिदिन अपने घरों में कहाँ कहाँ करते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, और खाना बनाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, और अपने घरों की साफ सफाई के लिए, कितनी सारी चीज़ों में हम पानी का उपयोग करते हैं। आप लोग भी, आज हम आपको एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं इसके इस पाठ में, कि आप लोग भी एक सूची बनाइएगा कि प्रतिदिन आप पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और एक सूची ये भी बनाइएगा कि यदि पानी ना हो तो आपके प्रतिदिन का कार्य पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।